नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13, 14 और 15 नवंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी पांचवी राशि सिंह राशि। आपके लिए 13 नवंबर का दिन उत्सुकता से भरा दिन रहेगा। इस दिन आप काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहेंगे, आतुर भी रहेंगे और नए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए यानी कि नए ज्ञान को अपने अंदर समाने के लिए एक व्याकुलता आपके अंदर रहेगी। साथ ही साथ आप अपने आप को साबित करने के लिए भी लालायित रहेंगे। आप अपने आप को साबित करने के लिए इतने ज़्यादा लालायित हो सकते हैं कि आपकी जल्दबाजी दूसरे लोगों को नज़र आ जाए और इसकी वजह से आप उपेक्षा के पात्र बन जाएं या हंसी के पात्र बन जाएं। आपको अपनी शेखी बघाड़ने से 13 नवंबर के दिन बचना चाहिए। 13 नवंबर के दिन आपको कुछ ऐसा मिल सकता है यानी कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ जो भविष्य में आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। लेकिन ये जो कुछ भी आपके जीवन में होगा ये तभी संभव है जब आप उन चीज़ों को समझने के लिए अपने मन को तैयार करें। असल में आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब कोई चीज़ ठान लेते हैं तो अपने आगे दूसरों की बात को नहीं सुनते और नहीं मानते हैं। इसलिए यदि आप अपनी मानसिकता में थोड़ा सा, बहुत जरा सा परिवर्तन लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 14 नवंबर के दिन आप थोड़ा सा अपने जीवन के पिछली घटनाओं को याद करेंगे और उन्हें याद करके दुखी होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि पहले हर चीज़ बहुत बढ़िया थी, हर चीज़ आपके कंट्रोल में थी और हर चीज़ आपके मुताबिक थी। लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई हैं, चीज़ों में आपकी मर्जी चलनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमेशा ही आपने अपने आप को कंट्रोलर समझा है, कंट्रोलर की भूमिका ली है। इसलिए जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तब आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं और आपकी ये व्याकुलता आपकी विफलता का बायस बन जाती है। इसलिए अपनी पिछली गलतियों को अगर याद करें तो उनसे सबक लेकर के आगे गलतियां ना हों इन पर ध्यान दें, बजाय इसके कि उनको याद करके परेशान हो जाएं। 15 नवंबर के दिन सिंह राशि, आपको कुछ अपमान झेलना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो वहां अपनी ओपिनियन को बिल्कुल ना दें और लोगों को समझाने की कोशिश तो करें ही ना। आपको ये भी देखना चाहिए कि समाज में आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में वृद्धि कैसे हो। आप वस्तुतः या असल में करते ये हैं कि समाज में आपकी जो पोजीशन है उसे अपनी हरकतों से और डाउन करते जाते हैं और गलतफहमी में रहते हैं कि लोग आपका सम्मान कर रहे होंगे, जबकि वास्तविकता इसके थोड़ी सी उलट हो जाती है। आप रूलर हैं, आपको कंट्रोल करना आता है, आप चीज़ों को अपने अनुसार चला सकते हैं, लेकिन आपको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका दिखावा मत करिए, शेखी मत बघारिए कि आप ये कर सकते हैं। अगर चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किंग हैं तो इसका ढिंढोरा मत पीटिए, लोगों को महसूस होने दीजिए कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और अगर आप ढिंढोरा पीटते हैं तो 15 नवंबर के दिन आप शेमफुल कंडीशन में रहेंगे। ओवरऑल इन तीनों दिनों में से केवल 15 नवंबर का दिन है जो प्रेम प्रसंगों के लिए बढ़िया नहीं है, बाकी व्यापार की दृष्टि से तीनों दिन अच्छे हैं और किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके व्यापार में कुछ ऐसा है जो आपकी इमेज से जुड़ा है तो 15 नवंबर को अवॉइड करें।